प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। देखिए कुंभ लग्न वालों की कमियां भी समझना जरूरी है ताकि उन कमियों को सुधार करके जीवन को और बेहतर बनाया जा सके। आम तौर पर कुंभ लग्न वालों का स्वास्थ्य शुरुआत में अच्छा नहीं रहता। बचपन में आप देखेंगे जन्म से लेके 12 वर्ष तक की आयु तक इनका स्वास्थ्य अमूमन अच्छा नहीं होता है और अपने यंग एज में अपनी युवावस्था में इनको काफी संघर्ष करना पड़ता है। लगभग 24 साल से लेकर के 32 साल तक का जो समय होता है उसमें इनको स्ट्रगल करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन में आम तौर पर इनके समस्या होती है, पत्नी इनको बहुत डोमिनेटिंग मिलती है, बहुत शासन करने वाली मिलती है, इसीलिए वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बनी रहती हैं। आम तौर पर जीवन साथी इनके ऊपर हावी रहता है, डोमिनेट करता है, अपनी बात मनवाने का प्रयास करता है, दबाव बनाए रखता है, जिस वजह से इनको दिक्कत होती है। कुंभ लग्न के लोग इतना ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा गहरे चिंतन में चले जाते हैं कि कभी कभी इनको डिप्रेशन भी हो जाता है। कुंभ लग्न वाले तनाव भी पालेंगे तो हाई लेवल का पालेंगे, सोचेंगे भी तो जीवन मरण, ईश्वर की प्राप्ति, इन तमाम गहरी चीजों के बारे में सोचते हैं और इसकी वजह से इनको बहुत जल्दी डिप्रेशन हो सकता है। घर के बाहर इनको ज्यादा अच्छा महसूस होता है, अमूमन पहाड़ियों के किनारे, नदियों के किनारे, जंगलों में, प्राकृतिक स्थानों पर जाएंगे और वहां महीनों रहने का प्रयास करेंगे। ये अलग अलग तरीकों से आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, कभी मंत्र जप करते हैं, कभी साधना करते हैं, कभी ध्यान करते हैं, कभी सामान्य पूजा करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं और ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास जरूर करते हैं। अगर इनकी कुंडली में मंगल की पोजीशन और शनि की पोजीशन थोड़ी भी बेहतर है तो कुंभ लग्न वाले आध्यात्मिक मार्ग पर जरूर चलेंगे और आध्यात्मिक जीवन में सफलता जरूर पाएंगे। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। अब कुंभ लग्न वालों की विशिष्टताएं क्या हैं, कमजोरियां क्या हैं, वो आपने समझ लिया। अब कुंभ लग्न के लोग ऐसा क्या करें जिससे उनका जीवन बेहतर हो, जिससे उनका जीवन अच्छा हो। अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करें। अपना खाना पीना, अपना सोना जगना, इसको थोड़ा सिस्टम में रखें, थोड़ा मेंटेन रखें तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। नियमित रूप से पूजा उपासना या ध्यान करिए, जो भी आप तरीका जानते हैं या जिस भी तरीके से करना चाहते हैं, नियमित रूप से पूजा उपासना या ध्यान करना आपके लिए बेहतर होगा। कुंभ लग्न वालों को बहुत जल्दी नशे की आदत लग जाती है और नशे की आदत से और डिप्रेशन से आपको बचना चाहिए। पहले नशे में डूब गए, फिर डिप्रेशन में चले गए, या डिप्रेशन से निकलने के लिए नशा करने लगे, ये सब बिल्कुल इससे बचिए, ये आपके लिए खतरनाक है। सलाह लेकर के एक नीलम और एक पन्ना, ये आपके लिए बहुत अच्छे रत्न हैं जो आपकी बुद्धि को, आपके स्वास्थ्य को और आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो सलाह लेकर के एक नीलम और एक पन्ना आपको जरूर पहनना चाहिए। देखिए कुंभ लग्न वालों को मैं कहूंगा कि बहुत सोच समझकर विवाह करिएगा। हालांकि कुंभ लग्न वाले ज्यादातर मामलों में आप देखेंगे कि विलंब से विवाह करते हैं और अक्सर विवाह नहीं भी करना चाहते हैं, फिर भी विवाह बहुत सोच समझ के करिएगा। ऐसा जीवन साथी मत ले आइएगा जो आपके सर पे सवार हो जाए। ज्यादा से ज्यादा जीवन में सफेद रंग का प्रयोग करिएगा,
व्हाइट कलर का, सफेद रंग का जितना ज्यादा आप प्रयोग करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। सुगंध का प्रयोग करना आपके लिए हमेशा लाभकारी होगा, क्योंकि आपका मन बहुत जल्दी परेशान होता है, बहुत जल्दी चिंताएं करता है। इसलिए अगर आप नियमित रूप से हल्की खुशबू लगाएं, हल्की सुगंध लगाएं, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। दूसरी बात, कुंभ लग्न वाले इस बात को जरूर समझ लें कि आपकी समस्या का समाधान केवल आप खुद कर सकते हैं। कुंभ लग्न वाले दूसरों को जल्दी ठीक कर देंगे, दूसरे की समस्याओं को जल्दी सुलझा देंगे, लेकिन अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा पाते, या इनकी समस्याओं को कोई और नहीं सुलझा पाता है। इसीलिए आप अपनी समस्या का समाधान स्वयं हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आत्म मूल्यांकन करें, साधना से, पूजा से, ध्यान से, एनालिसिस से आप अपनी समस्याओं को समझें और खुद दूर करने का प्रयास करें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।